जाएगा वहाँ से। चलिए हम उनको राइड करके दिखा पूरी। इधर आ जाए, इधर निकल जाए पानी। अच्छा चलो बताओ, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। मजा आता है, बाकी बच्चों को भी आना चाहिए। आना चाहिए, आना चाहिए। कितने दिनों से आ रहे हो? हम भी एक से दो दिन से। सीखने मिल रहा है? सीख रहे हो? यस मैम। आपके फ्रेंड्स को क्या बोलोगे जो फ्रेंड्स देख रहे हैं आपके? कि आपको भी इनमें भी यहाँ पे आना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ आकर स्विमिंग सीखनी चाहिए, है ना? बहुत अच्छे से सिखाते हैं। यस। और मजा भी आता है। हाँ, खुद जिद करते हैं मम्मी पापा को कि हमें स्विमिंग पे लेके चलो। हाँ बिल्कुल, आप देखिए बहुत अच्छा है पानी, बहुत अच्छा है, साफ है पानी, साफ है, पूरा साफ पानी है। चलो बताओ, मजा आ रहा है? बहुत मजा आ रहा है। एंजॉय कर रही हो? हाँ। yes. बिल्कुल, आप देख सकते हो कि बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, कितनी मस्ती कर रहे हैं और खुद जिद करते हैं कि हमें आना है। हाँ भाई, क्या बताओगे बेटा, बोलो? बहुत अच्छा, मजा आता है। यस। आपके फ्रेंड्स देख रहे हैं, उनको क्या कहोगे, मैसेज दो अपनी फ्रेंड्स को? उन्हें भी आना चाहिए, सबको आना चाहिए। yes. मिलके मस्ती करेंगे। yes. बोलो कि करण स्टेडियम के पूल में आना चाहिए। करण स्टेडियम के पूल में आना चाहिए। बिल्कुल, करण स्टेडियम के पूल बच्चों की, बड़ों की, सबकी पहली पसंद बन चुका है। गर्मियों का लुत्फ उठाना है तो बस ठंडे ठंडे पानी में घुस जाओ, घंटों तक पड़े रहो, इंजॉय करो, मतलब रिफ्रेश भी होने वाले हो और साथ ही साथ स्विमिंग जैसी एक हॉबी को भी परस्यू कर सकते हो। अभी फिलहाल मेरे पीछे देख सकते हो ये ब्लू ब्लू सा एकदम नीले नीले पानी वाला स्विमिंग पूल, और इतनी गर्मी हो रही है, शाम का टाइम हो रहा है, मेरा मन कर रहा है मैं खुद इसमें कूद जाऊँ, बस स्विमिंग करूँ। और ऐसे बच्चों को जब स्विमिंग करते हुए देखते हो ना, तो मेरा मन करता है मैं भी स्विमिंग सीखूँ। फिर लगता है कि करनाल में कौन सा वो बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है जहाँ मैं प्रोफेशनली स्विमिंग भी सीख सकती हूँ, अपने आप को रिक्रिएट भी कर सकती हूँ, कम बजट के अंदर अच्छी सर्विस मुझे मिल सकती है। तो फिर मेरे दिमाग में सबसे पहला ऑप्शन, सबसे भरोसेमंद ऑप्शन एक ही है अगर बात स्विमिंग की आए तो, वो है करण स्टेडियम का अपना स्विमिंग पूल। और मैं दिखाना चाहूँगी कि काफ़ी अच्छी खासी भीड़ में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी अच्छे खासे बैचेस यहाँ पे होने वाले हैं। रेशो काफ़ी अच्छा है, मतलब 7 से 8 ट्रेनर्स यहाँ पे, प्रोफेशनल्स यहाँ पे होने वाले हैं। आपको डाइविंग सीखनी है, आपको अलग अलग स्विमिंग के स्टाइल सीखने हैं, अगर आप प्रोफेशनली स्विमिंग को परस्यू करना चाहते हैं, अच्छे लेवल्स पर खेलना चाहते हैं, तो एक सही गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल सकती है। आपको स्पेसिफिक बैचेज मिल सकते हैं, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक यहाँ पर जो है ट्रेनिंग दी जाती है, स्विमिंग के अलग अलग चलते हैं, और स्पेशल फैमिली टाइम भी होता है। कई बार हमें क्या होता है कि पूरे दिन हम बहुत बिजी रहते हैं, पापा लोग होते हैं उनको ऑफिस जाना है, अपना बिजनेस देखना है, मम्मी होती है उनको घर पे जो अपनी कुकिंग करनी है, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं, तो साथ ही साथ जो है आप लोग जब शाम को फ्री हो जाते हो, 8 से 10 बजे का एक टाइम होता है जिसे आप फैमिली टाइम की तरह क्वालिटी वे में स्पेंड कर सकते हो। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, आप स्विमिंग भी सीख सकते हो। बेबी पूल यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, 2 से 2.5 फुट इसकी जो है गहराई है और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे पहुंचे हुए। हाय, आपका नाम क्या है? बात करोगे? नाम क्या है आपका? आर्यन। आर्यन, मजा आ रहा है? यस। स्विमिंग सीखने आए हो? अपने दोस्तों के साथ आए हो? यस। चलो करके दिखाओ, कौन सा स्टाइल सीख लिया? फटाफट करके दिखाओ। चलो सारे बच्चे स्विमिंग करके दिखाओ, जिसको भी आती है स्विमिंग करो, करके दिखाओ। तो आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और अगर आपके बच्चे को भी आपको लगता है कि फिट भी बनाना है, गर्मियाँ भी हैं, एक अच्छा फ़ायदा उठाना है, तो करण स्टेडियम का पूल आपकी पहली पसंद होने वाला है। मैनेजर सर है, विकास सर हमारे साथ है, जानना चाहूँगी सर क्या कुछ आप जो है अपने पूल के बारे में, स्विमिंग क्लासेस के बारे में करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैम सुबह टाइमिंग है 6 से 10 और शाम को 4 से 10, और छुट्टियों में 1 जून से स्टार्ट हो जाएगा, लेडीज बैच 3 से 4 रहेगा वो, और फीस वगैरह है सुबह, मतलब बड़ी बजट फ्रेंडली सर्विसेज होने वाली है। और जैसे मैं बोल रही थी सुबह 6 बजे से शुरू हो जाएगा, रात के 10 बजे तक सर्विसेज रहने वाली है। और सर कब से पूल खुल चुका है? ये मार्च से स्टार्ट है मैम। और मैं एक बड़ी खुशखबरी आप लोगों को दे दूं कि 3 साल के बाद फाइनली करण स्टेडियम अपने पूल को ओपन करने जा रहा है। पहले कोरोना में हमने कितना मिस किया स्विमिंग करना, मस्ती करना, तो अब वो मस्ती फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। सर मैं बेबी पूल देख पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता करनाल में और कोई भी स्विमिंग पूल ये फैसिलिटी देता है, क्या कुछ आप बेबी पूल के बारे में बताना चाहेंगे? ये बेबी पूल मैम 2.5 फीट का ही है और करनाल में कहीं पर भी नहीं है, और ये मान लो करनाल में 2 या 3 पूल और होंगे इसके अलावा, उनमें बेबी पूल नहीं है कहीं पे भी। और मतलब जो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्विमिंग सिखाना चाहते हैं उनके लिए पहली पसंद बन सकता है। कितने से कितने साल तक के बच्चे यहाँ पहुँचते हैं बेबी पूल के लिए? मैम ये मान लो 5 साल से अलाउड है, 5 साल से ऊपर कितना भी के बच्चे पहुँचते हैं। अच्छा सर,
ठीक है, मस्ती करना छुट्टियों में, स्कूल की जब छुट्टियां होती है तो बच्चे रिफ्रेश होने के लिए एक नई हॉबी को कंटिन्यू करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन उन बच्चों को क्या जिनमें वाकई टैलेंट है, जो प्रोफेशनली स्विमिंग को, डाइविंग को, इन सारी टेक्निक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ खास जो है करण स्टेडियम पूल लेके आने वाला है? उनके लिए मैम एक तो सरकारी कोच इधर अवेलेबल हैं, बाकी प्राइवेट कोच हैं हमारे, ये मान लो राहुल हैं, तेजवीर हैं, और टोटल कोच हैं 6 कोच हैं, मतलब 6 कोच यहाँ पे इस टाइम पे अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी। और मैं काफी सेफ्टी देख पा रही हूँ, मतलब अगर बेबी पूल है तो आसपास आप देखेंगे कि चारों तरफ ट्रेनर्स बैठे हुए हैं अपने अपने चेयर्स लेके, और काफी सारे पेरेंट्स यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, काफी सारे बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, पानी छपछपाते हुए मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। और एक और खास चीज सर ये है कि लेडीज के लिए भी यहाँ पे खास फैसिलिटी रखी गई है, फैमिली टाइमिंग मैंने कभी नहीं सुना कोई पूल देता, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? मैम ये कोई भी नहीं देता, कहीं पे भी चले जाओ पूल पे, बाकी कहीं पे भी नहीं मिलता, ये सरकारी पूल है, इसका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, इसलिए एक फर्स्ट टाइम करनाल में ये स्विमिंग पूल लिया, बाकी हमारे पूल दिल्ली और नोएडा गुड़गांव में चलते हैं, इधर फर्स्ट टाइम लिया है, तो ये फैसिलिटी। वाओ, मतलब 2-2 घंटे के 2 अलग-अलग सुबह के शाम के टाइमिंग्स होने वाले हैं, बहुत सारे मेंबर्स पहुंचे हुए हैं। एक और चीज़ खास बताना चाहूँगी कि 1 मंथ की मेंबरशिप ले सकते हैं, 2 मंथ्स की मेंबरशिप ले सकते हैं, 5 मंथ्स की मेंबरशिप ले सकते हैं, चाहे तो 1 साल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं, उसी हिसाब से आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलने वाले हैं। 3 साल के बाद ये लाजवाब गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से करनाल वालों को मिलने वाली है, लुत्फ उठाइए, गर्मी बहुत ज़्यादा है, पूरा फ़ायदा उठाइए, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं और मतलब गली मोहल्ले में खेलते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उससे तो अच्छा है कि ठंडे ठंडे पानी में खेले, कुछ नया भी सीखे, फिटनेस पे भी ध्यान दे। सर आपके बच्चे आते हैं यहाँ पे, आपके बच्चे सीख रहे हैं स्विमिंग? मैम फर्स्ट टाइम ही आए अभी। कैसा लग रहा है, एक्सपीरियंस कैसा है आपका? अभी तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, गर्मी का टाइम में एंजॉय सीख रहे हैं, एंजॉय तो कर ही रहे हैं, कुछ सीख भी रहे हैं। अभी सिखाने के लिए तो नहीं मैडम, बस वैसे ही अभी बच्चा थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाएगा। अच्छा ऐसा है ना सर कि बेबी पूल मुझे नहीं लगता कोई और पूल करनाल में देता है, तो वो एक अच्छी फैसिलिटी है, क्या बताना चाहेंगे? हाँ नहीं, अच्छी फैसिलिटी है मैडम, जिसे आप देख ही सकते हो। बाकी जो पेरेंट्स देख रहे हैं उनको क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सभी क्या मैडम, मतलब अभी तो जैसे फर्स्ट टाइम बच्चा आया तो स्विमिंग मतलब हर एक बच्चे को सीखनी चाहिए, हाँ जी जरूरी है, लाइफ में कहीं भी काम आ सकती है, बिल्कुल। तो सभी को ये है कि मतलब बच्चे को सिखाएं जरूर, मतलब जो भी चीज़ आप सीखते हो ना वो कभी वेस्ट नहीं होती, वो हर चीज़ कभी ना कभी जिंदगी के किसी ना किसी पड़ाव पे आपके काम आती है। और मैं बताना चाहूँगी मैंने भी अपनी स्विमिंग क्लासेस ना यहीं से ली थी, करण स्टेडियम के पूल से ही ली थी, और वाकई इतने अच्छे से सिखाते हैं, और कोचिंग फीस मात्र 1000 रुपये है यहाँ पे, उसमें आपको एक कोच मिलने वाला है, आपको सेपरेट टाइमिंग ये लोग देने वाले हैं, बहुत प्रोफेशनली अगर आप करियर बनाना चाहते हैं स्विमिंग पे तो एक अच्छा मौका आपको यहाँ से मिल सकता है, एक अच्छी शुरुआत आपके करियर की हो सकती है। और भी पेरेंट्स हैं, और भी मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी एक बार बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा है करण स्टेडियम के पूल के साथ। और भी बच्चों के पेरेंट्स हमारे साथ मौजूद है, सर कैसा एक्सपीरियंस है, पहली बार सीख रहे हैं अपने बच्चों को डाला हुआ है अपने स्विमिंग क्लासेस के लिए? Yeah, it's a good experience. यहाँ पे कोचिंग स्टाफ अच्छा है, काफी हेल्पफुल है, it's good. तो अच्छी हॉबी है, मुझे लगता है कि गर्मियों में छुट्टियां, बच्चे टाइम वेस्ट ना करें, किसी हॉबी को परस्यू करें। Yeah, definitely, स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज भी है, गुड हॉबी। और एक और चीज़ है सर कि सीधा बच्चों को बड़े पूल में डाल देना अनसेफ है, मुझे लगता है बेबी पूल की फैसिलिटी और इतने सारे ट्रेनर्स की फैसिलिटी होना एक अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों अगर स्टार्टिंग में है तो उनको बेबी पूल में ही डालना चाहिए, वो रिस्की हो जाता है। बताना चाहोगे कुछ? मजा आता है स्विमिंग करने में? हाँ मजा तो आता है। पापा सोच रहे थे कि आज मेरे को स्विमिंग में डाल रहे थे, तो पापा ने पूछा कि अभी थोड़ी देर के लिए ट्राई कर सकते, फिर उन्होंने बोला हाँ कर सकते हैं। तो मतलब हाँ आपको डेमो भी मिलने वाला है अगर आपको ट्राई करना है, 1 दिन मात्र 1000 रुपये में, अब मात्र 100 रुपये में 45 मिनट के लिए आप यहाँ पहुँच सकते हो पूल का फ़ायदा उठाने के लिए, देखने के लिए कि किस तरीके से यहाँ पे सिखाया जाता है। मतलब बच्चों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो अपनी ही मस्तियों में लगे हुए हैं, पूल में घुसे हुए हैं, कोई हूटिंग कर रहा है, कोई डाइव मार रहा है, कोई फ्रंट फ्लोट कर रहा है, कोई बैक फ्लोट कर रहा है, कोई स्विमिंग करता हुआ नज़र आ रहा है, मतलब पूरी मस्ती में बच्चे यहाँ पे हैं। और किस तरीके से मुझे लगता है एक बार इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं, इन लोगों के एक्सपीरियंस भी एक बार जान लेते हैं। सर क्या कुछ बताना चाहोगे, कैसा? हाँ उनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ एक्सपीरियंस है आपका यहाँ? बहुत बढ़िया फील हो रहा है, फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत बढ़िया एंजॉय हो रहा है, गर्मियों का मजा ले रहे हैं, बाकी हमारे कोच साहब हैं, इनके जरिए हम आए हैं। कुछ बताना चाहोगे जो बाकी लोग भी? मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, बाकी आज देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा रहता है, बाकी नेक्स्ट डे। कुछ बताना चाहोगे, पहली बार आए हो?
रोज नहीं आते, तो आप देख सकते हो कि मतलब एक दिन के लिए, क्योंकि अभी अभी जस्ट पूल जो है शुरू हुआ है और बच्चे जो है नए नए आने शुरू हुए हैं, और मैं वहाँ पे देख पा रही हूँ कि बच्चे डाइव मारने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। तो मिक्स बैचेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जिसमें लड़कियाँ लड़के साथ में भी सीख सकते हैं, लड़कों के लिए सेपरेट बैचेस भी अवेलेबल हैं, और जून से फीमेल्स के लिए भी अलग से स्पेसिफिक बैचेस शुरू होने वाले हैं। अगर फैमिली टाइम में अपनी पूरी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, स्विमिंग जैसी हॉबी पर ध्यान देना चाहते हैं, तो फैमिली टाइम का लुत्फ उठा सकते हैं। सुबह भी आपको जो है 9 से 11 एक फैमिली टाइम मिल सकता है, शाम को आपको जो है 8 से 10 फैमिली टाइम मिल सकता है। पूरा दिन फ्री होके अपने काम निपटा के आप यहाँ पे पहुँच सकते हो। पूरे हफ्ते जो है पूल यहाँ पे ओपन रहता है, और साथ ही साथ 6 से 7 कोचेज यहाँ पे अवेलेबल हैं। सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है, बहुत सारे पेरेंट्स यहाँ पे पहुँचते हैं, एक्सपीरियंस काफ़ी पॉजिटिव है गर्मियों का लुत्फ उठाने के लिए। अब पहली पसंद अगर आपको बनाना है, पानी काफ़ी साफ सुथरा है, तो बस आपको आना है करण स्टेडियम के पूल में। सरकारी पूल है ये, यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको सारी मिलने वाली हैं। फीमेल्स की बात की जाए, फैमिली टाइमिंग की बात की जाए, या फिर बेबी पूल की बात की जाए, बहुत ही मिनिमल प्राइसेस पे, बहुत ही मिनिमल चार्जेस पे आपको फैसिलिटी मिलने वाली है। आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो बस गर्मी में जो है मस्ती करनी है, इंजॉय करना है, एक दिन के लिए आके देखना चाहते हैं तो मात्र 100 रुपये में यहाँ पे 45 मिनट्स के लिए एक डेमो भी आप लोग ले सकते हैं। तो बस इस मौके का फ़ायदा उठाइए। 3 साल बाद फाइनली करण स्टेडियम का पूल जो है वो ओपन हो गया है, सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जो फैमिलीज़ हैं जो मस्ती करना चाहते हैं, और मस्ती करते हुए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे दिख भी रहे हैं। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा शेयर कीजिए, यहाँ करण स्टेडियम के पूल के साथ एक्सपीरियंस कैसा? बेटा आपका, बेटी है सर? हाँ जी, बेटा है। क्या बताना चाहेंगे, फैमिली टाइम पूरा स्पेंड कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। एक तो गर्मी बड़ी ज्यादा है, ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा है, इन्होंने जो प्रबंध कर रखा है यहाँ पे। आना चाहिए, बाकी लोगों से क्या अपील करेंगे? भाई सभी लोगों को आना चाहिए यहाँ, एक तो मैनेजमेंट भी ठीक है यहाँ की, सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है। हाँ, सेफ्टी का भी ध्यान है। मैं देख पा रही हूँ बेबी पूल कहीं और शहर में नहीं मिलने वाला। नहीं नहीं, और शहर में यहाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के साथ पहुंचे हैं और खूब मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। आप भी यहाँ पे पहुंच सकते हो, फैमिली टाइम स्पेंड करना है, दोस्तों के साथ पहुंचना है, गर्मी से राहत लेना चाहते हैं, या फिर वाकई स्विमिंग की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं मिनिमल चार्जेस पे, इंजॉय करें यहाँ पे पहुंचे, अपने बच्चों को भेजे। छुट्टियाँ होने वाली हैं, समर वेकेशन शुरू होने वाली है, लुत्फ उठाइए। 3 साल बाद वापिस आ गया है करण स्टेडियम का अपना सरकारी पूल। करण स्टेडियम के और भी मेंबर्स हमारे साथ हैं, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है? मैम काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और जो यहाँ पर कोच है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर का जो पानी है, जो वाटर है, वो काफ़ी क्लीन है और बहुत ही अच्छा रोमांचिक बच्चों के लिए। यहाँ पर जो आप दृश्य है बहुत ही अच्छा है ये, और काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है यहाँ पर, और बच्चों के लिए एक अच्छा बेबी पूल है, स्पेशल बेबी पूल भी है, स्पेशल बेबी पूल भी है यहाँ पर, और जनरल पूल भी है यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है कि अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर आप लेके जा सकते हैं। और सर बता रहे थे कि 1-1.5 महीने में आपका बेटा काफ़ी हद तक स्विमिंग सीख गया है। जैसे जैसे मेरा बेटा काफ़ी 1.5 महीने से आ रहा है, मैं आर्मी में हूँ, सूबेदार महेंद्र सिंह, इसे मेरा बेटा 1.5 महीने से आ रहा है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ यहाँ के, मुझे मतलब जो कोच ने मेरे बेटे को सिखाया है तो वो मतलब बहुत अच्छा है। ऐसा है कि मज़े मज़े में शुरू किया था, मस्ती मस्ती में, लेकिन अब भी सीख गए हैं बच्चे, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे बेटा एक्चुअली इन्जॉय के लिए लेके आती थी मेरी वाइफ, लेकिन अभी मेरे का एक मुझे एक टारगेट मिल गया है उसको एक स्विमर बनाने के लिए, इंटरनेशनल लेवल पे कुछ भी हो जाए। तो मतलब हो सकता है आप ऐसी मस्तियों के लिए आओ, गर्मी में ठंडे ठंडे पानी का लुत्फ उठाने आओ, लेकिन आपकी ज़िंदगी को एक दिशा मिल जाए और आप भी प्रोफेशनली स्विमिंग सीख सको। सीनियर स्विमिंग कोच कवलजीत सर हमारे साथ हैं, उनसे जानना चाहूँगी सर क्या कुछ पूल के बारे में, यहाँ की सर्विसेज के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे। हमारा जैसे 3 साल से स्विमिंग पूल बंद था, तो हमने टीम अच्छी खासी यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की तैयार की थी, लेकिन 3 साल का टाइम स्पेंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लास्ट ईयर सिर्फ 2 महीने पूल चला था, क्योंकि गवर्नमेंट की फॉर्मेलिटीज़ और वो सब में थोड़ा समय लग जाता है। अब 2 महीने में, और उससे पहले जो हमने स्विमर्स तैयार किए थे, तो वो इतना टाइम स्पेंड लंबा हो जाता है कि उसके अंदर बच्चा कई बार माइंड चेंज कर लेता है, कभी दूसरी गेम में शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी देर तक रुकता नहीं, क्योंकि स्विमिंग पूल के जो स्विमर्स का काम है वो स्विमिंग पूल के साथ ही चलेगा, उसके अलावा वो और कहीं ग्राउंड की प्रैक्टिस ज़्यादा से इम्प्रूवमेंट आती नहीं है। और जैसे इस साल स्विमिंग पूल चला, तो अभी हम छोटे छोटे बच्चों को टैलेंट इन्हीं में से टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद उनको जैसे अभी भीड़ ज़्यादा है तो यहीं से टैलेंट हमें पता लगे कौन से बच्चे आगे जाने वाले हैं, कौन किनका ज़्यादा इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि जिसको बहुत अच्छी स्विमिंग आती है वो अच्छा स्विमर बने, कई बार जिसको थोड़ी कम स्विमिंग आती है वो भी अच्छा स्विमर बन सकता है, क्योंकि सिर्फ डिपेंड करता है उसके इंटरेस्ट के ऊपर। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है स्विमिंग प्रैक्टिस करने का, जुनून नहीं है, वो कई बार अच्छा बच्चा भी पीछे रह जाता है।
मतलब मौज मस्ती करते करते आपके टैलेंट को भी यहाँ पे परखा जाएगा।